जन वितरण प्रणाली द्वारा बीपीएल परिवारों को 1 रुपये की दर से 35 किलो चावल दिया जाता है। साहिबगंज जिला के पगर पहाड़ के लोगों को अभी तक उस चावल का लाभ उठा नहीं पाते हैं। मैं पौल मल तो यह है मेरा समुदाय। पगार पहाड़ में रहने वाले गदरे पहाड़िया कि सज हम बेकलाम हैं, तो आज तक हम लोग का सरकार से योजना में कुछ नहीं मिले, तो अन्नपुरिया चावल 1 रुपया वाला तो हम लोग आज तक मोटा मोटी 8 महीना होते जा रहा है कि आज तक कोई पता नहीं है हम लोग का सज मुखिया बताता है ना, और कोई बताने वाला है। आपका कितने बच्चे हैं? तो बच्चे सब हम लोग का मैंने देख लीजिए 2 गो है। अगर आप बाजार में चावल खरीदते हैं तो कितने कैसे केजी खरीदते हैं आप? बाजार में तो देखिए अब चावल करते हैं 20% भी है, 18% भी है, यही सब कहते हैं। पर सरकारी द्वारा जो भी लाभ होती है, जो भी योजना आती है, वो हमारे आदिम जनजाति को क्यों नहीं मिलती है? ना ही पत्रकार आते हैं, ना ही टीवी चैनल वाले आते हैं, ना इसका किसी पदाधिकारी के द्वारा हम लोग को सूचना मिलती है। जो हम लोग पहाड़ में हैं तो पहाड़े में आवाज दब के रह जाता है। रोद होते था धूप में या जो मकई रोपे थे वो सब भी गाछ तो ऐसे हुआ है, लेकिन तो उसी में फल नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से कुछ हुआ भी कुछ नहीं भी है। इसीलिए हम लोग का बोझा लकड़ी पकड़ी ऐसे बड़ा मुश्किल से हम लोग काटते हैं काटते हैं, मगर यही हम जो यही चावल मिलते हैं तो इसी से हमको कुछ ऑप्शन था। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करता हूं कि हमारे साहिबगंज जिला के उपायुक्त महोदय अशोक कुमार को इस नंबर पर कॉल कर दबाव डालें, ताकि जल वितरण प्रणाली द्वारा दी जा रही है चावल को हमारे पहाड़िया भाई बहनों को लाभ मिल सके। मैं पॉल मल्तो, साहिबगंज झारखंड, इंडिया अनहार्ट के लिए।